दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जगत ज्ञान में। आज के वीडियो में आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होते हैं, कैसे डाउनलोड होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। अब आपका विंडोज 7 हो, 8 हो या 10 हो, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो सभी पर बराबर काम करेंगे। और शायद कई लोगों को मालूम ना हो कि ये ड्राइवर आखिर होता क्या चीज है, तो शुरुआत करने से पहले मैं उनका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही खास टॉपिक है। ड्राइवर ही नहीं मालूम होगा तो पूरा वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा, फायदा क्या होगा। देखिए, ड्राइवर वो चीज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रहता है, इन दोनों की रिश्तेदारी करवाता है। एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, ये है हार्डवेयर, और जो हमारा विंडोज है ये है सॉफ्टवेयर। अब जैसे हमने कोई बटन दबाया कीबोर्ड से, तो विंडोज को कैसे पता चलेगा कि कोई बटन दबा है? यही काम ड्राइवर का है, ड्राइवर बताता है। और ये तो बस एग्जांपल था, ड्राइवर लगभग हर एक चीज के लिए होता है, जैसे कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, आपकी डिस्प्ले के लिए, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क वगैरह लगी हुई है उसके लिए, USB के लिए, पेन ड्राइव के लिए, सबके लिए होता है। एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे कि हम मार्केट से कोई नया प्रिंटर लाए या कंप्यूटर में कोई नया प्रिंटर कनेक्ट किया, तो कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं तो प्रिंटर से प्रिंट निकलता नहीं है। वो इसीलिए होता है कि आपके विंडोज ने, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर ने अभी आपके नए हार्डवेयर यानी कि प्रिंटर को पहचाना नहीं है कि ये क्या चीज है। इसके लिए हमें कंप्यूटर में प्रिंटर का ड्राइवर डालना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जब हम कोई नया प्रिंटर लाते हैं तो उसके साथ एक DVD मिलती है, या हमें उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट से। बहुत लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि प्रिंटर वाले भाई साहब आते हैं, वो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तब प्रिंट निकलता है। अब आप समझ गए होंगे ये ड्राइवर का आखिर काम क्या होता है। अब ये भी समझ लीजिए, ड्राइवर की जरूरत हमें कब पड़ती है। ड्राइवर की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं, विंडोज फॉर्मेट करते हैं, या विंडोज अपडेट करते हैं, या विंडोज के साथ और कुछ भी छेड़खानी करते हैं। आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने एक बार नोटिस ये करी होगी कि जब भी मैं कोई विंडोज इंस्टॉल, विंडोज फॉर्मेट या अपडेट का वीडियो बनाता हूं तो उसमें ड्राइवर कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड होता है साथ में ये भी बताता हूं, क्योंकि विंडोज इंस्टॉल या फॉर्मेट के बाद ड्राइवर मिसिंग हो जाते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, USB काम ना करना, माउस ना काम करना, कीबोर्ड ना काम करना, टच पैड सही तरीके से ना काम करना, डिस्प्ले की ब्राइटनेस ना कम होना, तेज तेज रहना, रेजुलेशन बहुत बड़ा बड़ा दिखना। अब बहुत से लोग विंडोज इंस्टॉल या फॉर्मेट के बाद सोचते हैं कि भैया पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, इसी वजह से ये सब गड़बड़ हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ड्राइवर की समस्या होती है, ड्राइवर मिसिंग हो गया है, ड्राइवर डालेंगे सही हो जाएगा। एक मजे की बात और बता दूं, जब कई लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उनके कुछ ड्राइवर मिसिंग हो जाते हैं, जैसे कि USB पेन ड्राइव ना काम करना, इंटरनेट ना काम करना, फिर उनको जरूरत होती है कंप्यूटर में ड्राइवर डालने की। अब ड्राइवर डालेंगे कैसे, आपका इंटरनेट तो काम ही नहीं कर रहा है, USB पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगी नहीं रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विंडोज के साथ कोई भी छेड़खानी करने से पहले कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर पहले से ही डाउनलोड होने चाहिए, ताकि आगे चल के हमारे साथ कोई भी समस्या आए तो जो ड्राइवर हमने डाउनलोड कर रखे हैं उनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को सही कर सकें। चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लैपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए देख लेते हैं, उसके बाद में डेस्कटॉप यानी कि मदरबोर्ड के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए देखेंगे। देखिए, लैपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए हमारे पास तरीके तो कई हैं, लेकिन सबसे बढ़िया और मजबूत तरीका यह है कि लैपटॉप का सीरियल नंबर निकाल लो और लैपटॉप जिस कंपनी का है उस कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर वो सीरियल नंबर डालो, सेम अपने लैपटॉप के ड्राइवर डाउनलोड कर लो। अब लैपटॉप का सीरियल नंबर निकालने के लिए सिंपल है, स्टार्ट बटन दबाइए, लिखिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, इसे ओपन कर लीजिए। यहां पर ये कमांड टाइप कर दीजिए जो मैंने टाइप करी है, वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए। अब एंटर करेंगे, आपके लैपटॉप का जो भी सीरियल नंबर है वो यहाँ पर इस तरह से दिखेगा, इसे कॉपी कर लीजिए, नहीं तो अभी हम जिस वेबसाइट में डालेंगे वहां मैनुअल टाइप कर सकते हैं। ब्राउजर खोल लेंगे यानी कि गूगल, यहाँ पे आपका लैपटॉप जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम लिखिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ Acer, और इसके बाद ड्राइवर्स लिख के सर्च कर देंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कई पॉपुलर लैपटॉप कंपनियों के ड्राइवर डाउनलोड करने वाली वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नीचे क्लिक करके उनके ऊपर जा सकते हैं, वहां पर बस आपको सीरियल नंबर ही डालना होगा। फिर भी प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल ही होता है, चलिए करके देखते हैं। सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आई है इसके ऊपर आ गए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटर सीरियल नंबर, वही जो अभी हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट करके फाइंड करेंगे। एक बात और, सीरियल नंबर डालने के लिए आपको हर एक वेबसाइट पे दिखेगा, लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग हो सकता है, इसके लिए आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे समझ जाएंगे। इसके साथ ही एक बेसिक जानकारी और, जब भी हम कोई ड्राइवर डाउनलोड करते हैं तो वेबसाइट पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन आता है, वो इसलिए क्योंकि हर एक ड्राइवर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग होता है, जैसे कि विंडोज 7 के लिए अलग होगा, 8 के लिए अलग होगा, 10 के लिए अलग होगा, और इनके अंदर भी
दो दो वर्जन होते हैं कि विंडोज 7 64 बिट 32 बिट, विंडोज 8 64 बिट 32 बिट, विंडोज 10 64 बिट 32 बिट, वो भी हमें सिलेक्ट करना होता है। कहने का मतलब यही है, आप ड्राइवर जिस विंडोज का जिस बिट का डाउनलोड कर रहे हैं वो ड्राइवर उसी विंडोज पे उसी बिट पे सपोर्ट करेगा और दूसरे पे नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं विंडोज 10 64 बिट का डाउनलोड कर रहा हूँ तो वो ड्राइवर विंडोज 10 32 बिट पर नहीं काम करेगा और विंडोज 8 या विंडोज 10 पे तो कतई नहीं काम करेगा। अब जैसे कि इस वेबसाइट को नीचे करते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। ये फंक्शन आपको हर एक वेबसाइट पे मिलेगा, डिजाइन बदल सकता है लेकिन होगा जरूर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर जो लिस्ट आई है उसमें सिर्फ विंडोज 10 64 बिट है, ना इधर विंडोज 8 है ना विंडोज 7। आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कोई एक या दो विंडोज गायब हो, तो इसका मतलब ये है जो विंडोज गायब है वो विंडोज हमारे इस कंप्यूटर में नहीं चलेगा। अगर जबरदस्ती घुसेड़ देंगे फिर ड्राइवर की समस्या आ जाएगी। और ड्राइवर से क्या क्या समस्या हो सकती है वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी यही है, आपके लैपटॉप की कंपनी की वेबसाइट पे जो भी विंडोज का जिस भी बिट का ड्राइवर उपलब्ध हो वही विंडोज उसी बिट में डालें, गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ होगी। अब हम विंडोज 10 64 बिट सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्राइवर्स पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आपके लैपटॉप के जितने भी ड्राइवर हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, एक एक करके सबको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड के लिए सिंपल है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। बस आपको एक ड्राइवर नहीं डाउनलोड करना है, वो है बायोस का। क्यों नहीं करेंगे और इससे क्या होता है इसके लिए हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे। बस यूं समझ लीजिए नॉर्मल यूजर के लिए इसका अभी कोई काम नहीं है। और ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करना है देखते रहिए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इससे पहले हम डेस्कटॉप के ड्राइवर कैसे डाउनलोड होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। डेस्कटॉप के ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका यह है कि हमारे डेस्कटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है उसका मॉडल नंबर हम मदरबोर्ड की वेबसाइट पर डालें और ड्राइवर डाउनलोड कर लें। अब ये डेस्कटॉप का मॉडल नंबर कैसे पहचानते हैं इसके लिए भी सिंपल है। डेस्कटॉप का ढक्कन खोलिए, मदरबोर्ड दिखेगा, उसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा होगा। चलिए आपको किसी मदरबोर्ड का मॉडल नंबर दिखाता हूँ, जैसे कि ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड देखिए। थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गीगाबाइट B450M स्पेस DS3H, ये मॉडल नंबर है। एक मदरबोर्ड और देखते हैं MSI का, थोड़ा जूम किया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है MSI, ये हो गया कंपनी का नाम। बाकी जो H से शुरुआत हो रहा है वो है मॉडल नंबर। अब मान लेते हैं किसी वजह से आपको मॉडल नंबर दिखा नहीं या आप अपना कंप्यूटर नहीं खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए स्टार्ट बटन दबाइए, यहाँ पर लिखिए CMD, वही कमांड प्रोमोट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये कमांड टाइप करके एंटर कर दीजिए जो मैंने टाइप करी है, वैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अब देखिए हमारा मदरबोर्ड किस कंपनी ने बनाया है, मैन्युफैक्चरर का नाम आ गया है इंटेल कॉर्पोरेशन। और प्रोडक्ट के नीचे देखिए ये जो 44 से शुरू हो रहा है ये हमारा मॉडल नंबर है। आप समझ गए होंगे कि मॉडल नंबर कैसे निकालना है। चलिए अब गीगाबाइट की वेबसाइट पे आते हैं, कोई ड्राइवर डाउनलोड करके देखेंगे। साथ ही आपको बता दूं मैंने कई पॉपुलर मदरबोर्ड कंपनियों की ड्राइवर डाउनलोड करने वाली वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप नीचे क्लिक करके डायरेक्ट उन वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे कि ये गीगाबाइट की वेबसाइट है, मैं एक मॉडल नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये इस मदरबोर्ड का है, आप मैच कर सकते हैं B450M स्पेस DS3H, यहाँ पे भी यही है। सर्च कर दिया, आप देख सकते हैं सेम मदरबोर्ड आ गया है जो मेरी फोटो में है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना होता है, फिर से वही OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। ऑल पर क्लिक किया, विंडोज 7 64 बिट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके मदरबोर्ड की ड्राइवर की लिस्ट दिख जाएगी, बायोस वाला छोड़ के आप सारे एक एक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड के लिए सिंपल है, यहाँ पे भी डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से डेस्कटॉप के लिए आपको अगर ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर चाहिए तो आपका ग्राफिक्स कार्ड जिस कंपनी का है उस कंपनी की वेबसाइट पे आइए, अपने ग्राफिक्स कार्ड का मॉडल नंबर डाल के आप ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और, ड्राइवर डाउनलोड करते समय कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे कि मैं इस पेज के नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे ऑडियो ड्राइवर की लिस्ट में देखिए 3 ड्राइवर हैं। अब इन 3 ड्राइवर में से हमें सिर्फ 2 डाउनलोड करने हैं, क्योंकि नीचे के जो 2 ड्राइवर हैं वो एक ही हैं लेकिन इनका वर्जन अलग है और हमें लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड करना है। ये लेटेस्ट वर्जन आप इनका वर्जन का नंबर देख के पहचान सकते हैं या तो इनकी रिलीज डेट से भी पहचान सकते हैं। जैसे कि पहले वाला है सन 2011 का, दूसरे वाला है सन 2012 का, यानी कि सन 2012 वाला है वो लेटेस्ट है, वो डाउनलोड करना है और उसके बाद इसके ऊपर वाला। इसके साथ ही लैपटॉप के कुछ ड्राइवर डाउनलोड करते समय आपको ग्राफिक्स के लिए कई सारे ड्राइवर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप इस पेज पे देख सकते हैं करीब 18 ड्राइवर हैं ग्राफिक्स के, 18 में से हमें सिर्फ एक डाउनलोड करना है। वो आप सिलेक्ट कैसे करेंगे कि आपको वो कौन सा डाउनलोड करना है? सबसे पहले तो ये देखिए कि ये ग्राफिक्स के ड्राइवर हैं। ग्राफिक्स ड्राइव की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज्यादा ना हो रही हो या रेजोल्यूशन हमें सही नहीं दिख रहा हो, कुछ छोटा बड़ा कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो,
अगर ऐसी कुछ समस्या है तो ये समझिए आपको एक ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर की ज़रूरत है, तभी हमें इनमें से कोई ड्राइवर डाउनलोड करना है। और अब अगर आपको लगता है कि आपको ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर चाहिए, तो पहले देखिए आपका प्रोसेसर कौन सा है। अगर AMD का प्रोसेसर है तो AMD के कुछ ड्राइवर की लिस्ट है यहाँ पे, उनमें से एक एक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देखते रहिए, जिससे आपका काम बन जाए उसी से काम चला लीजिए। अब जिनका लोगों का प्रोसेसर इंटेल का है, तो इंटेल वालों के लिए तो यहाँ बड़ी लंबी खिचड़ी पका रखी है, कई सारे ड्राइवर हैं। इंटेल वालों को इनमें से सिर्फ एक डाउनलोड करना है। उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए आपको अपने प्रोसेसर का मॉडल नंबर का कोड पहचानना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैबी लीक है, ब्रॉडवेल है, स्काई लीक है, ये इंटेल के प्रोसेसर के कोड हैं। आपको यही पता करना है। कैसे पता करेंगे? स्टार्ट बटन दबाइए, यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखिए, सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखेगा, ओपन कर लेंगे इसे। आइटम लिस्ट में प्रोसेसर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके प्रोसेसर की कंपनी का नाम जैसे कि इंटेल दिख रहा है, और उसका मॉडल नंबर, ये मॉडल नंबर है i5-4210U। बाकी इसके बाद का जो लिखा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसी मॉडल नंबर को हम गूगल पर सर्च करके इसका कोड नेम निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए इंटेल i5-4210U, लास्ट में कोड नेम सर्च कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका कोड नेम आ गया है, यह है हैजवेल। चलिए एक प्रोसेसर का कोड नेम और सर्च करके दिखाता हूँ, इंटेल i3-6100U कोड नेम, एंटर किया। दोबारा से बता दूं, ध्यान दीजिए, इंटेल कोड नेम के बीच में हमें अपना ये सिर्फ इतना मॉडल नंबर डालना है जो हमने यहाँ से उठाया है। अब यहाँ पर मैंने जिस प्रोसेसर का कोड नेम निकाला है वो है स्काईलिक, आप नोट कर लीजिए स्काईलिक। इसके बाद ड्राइवर वाली लिस्ट पे आ गए, यहाँ पर देखिए स्काईलिक कौन से वाले ड्राइवर में लिखा हुआ है, तो नीचे है अपेलो लिक और ब्रेसवेल। नीचे से तीसरे नंबर का देखिए, यहाँ पर हमें स्काईलिक मिल गया है, यानी कि हम यही वाला डाउनलोड करेंगे और ये वाला हमारे कंप्यूटर में काम करेगा अच्छे से। तो अब तक आपने देखा कि लैपटॉप और डेस्कटॉप के ड्राइवर डाउनलोड कैसे करते हैं। अब मान के चलिए भविष्य में आपको कभी जरूरत पड़ी कि ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, आपके ड्राइवर कुछ मिस हो रहे हैं, इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है, आपने जहाँ पर ड्राइवर सेव करके रखे हुए हैं उस लोकेशन पर आ जाएंगे। ड्राइवर आपको दो तरह से दिखेंगे, पहला एप्लीकेशन टाइप में, जैसे कि ये रहा एप्लीकेशन टाइप में जो ड्राइवर है, इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपल है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्टर, इसके लिए ऑप्शन आएगा यस कर देना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं सिंपल बता देता हूँ आपको, कोई भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, लाइसेंस के लिए आता है तो वो लाइसेंस एक्सेप्ट करना होता है, और इंस्टॉल की लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए आता है तो वो अपने आप सिलेक्ट होता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, काफी सिंपल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, लाइसेंस के लिए पूछ रहा है तो मैं एग्री कर लूंगा, लोकेशन पूछ रहा है वो इसकी डिफॉल्ट रहती है, हमें यहाँ पे नहीं छेड़ना है, नेक्स्ट। अब इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब जो ड्राइवर इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका है, उसमें आपको आपका ड्राइवर जो है जिप फाइल में दिखेगा। जैसे कि आप ऊपर वाला ड्राइवर देखिए, ये एक जिप फाइल में है। हमें करना क्या है, इस जिप फाइल के अंदर से अपना ड्राइवर बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक्सटेंड ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है, ये मार्क हटा देंगे एक्सटेंड। कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे सेम नाम से एक नया फोल्डर बन जाएगा, इसके अंदर आएंगे, एक फोल्डर और दिखेगा इसके अंदर, यहाँ पर खूब सारी फाइलें दिखेंगी। अब इनमें से हमारे काम की वो फाइल होगी जो एप्लीकेशन टाइप में है और जिसका नाम सेटअप होगा। नीचे करके देखते हैं, ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन टाइप में सेटअप नाम की फाइल मिल गई है। कई लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है सेटअप 64 बिट या सेटअप 32 बिट दिखे, तो अगर आपका विंडोज 32 बिट का है तो सेटअप 32 बिट सिलेक्ट करेंगे, अगर विंडोज 64 बिट का है तो सेटअप 64 बिट सिलेक्ट करेंगे। मैंने ये एडवांस में बता दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस खाली सेटअप है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्टर, फिर से इसके लिए ऑप्शन आएगा, हर एक बार इसके लिए ऑप्शन आएगा आप जितने भी ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको बताई दिया है, नेक्स्ट करना है और लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट करना है, मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह से आप एक एक करके वो ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए जिनकी आपको जरूरत है। एक बात और, हर एक ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, इससे ये होगा कि आपने जो ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं वो सही तरीके से अपना काम करने लग जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमने ड्राइवर तो इंस्टॉल कर दिया होता है लेकिन वो काम नहीं करता है, और हमें ऐसे लगता है कि भैया ड्राइवर तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इसीलिए रिस्टार्ट करेंगे, फर्क दिख जाएगा। बस मैं आपसे यहीं पर इजाजत चाहूंगा, कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है, हम आगे भी कुछ इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए।